Episode 1. बिस्मिल्लाह। ये सबक जनाब इनायतुल्लाह अल्तमश की किताब शमशीर बेनियाम से लिया गया है। ये हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की सवाने हयात के चंद औराक हैं। वो मुसाफिर अरब के सहराओं में अकेला चला जा रहा था। 8 हिजरी के जमाने में अरब का वो इलाका जहाँ मक्का और मदीना वाक़े है, बड़ा ही खौफनाक सहरा हुआ करता था। जलता और इंसानों को झुलसाता हुआ रेगिस्तान, एक तो सहरा की अपनी सोबतें थी, दूसरा खतरा रहजनों का था। मुसाफिर काफिलों की सूरत सफर किया करते थे, लेकिन ये मुसाफिर अकेला चला जा रहा था। वो आला नस्ल के जंगी घोड़े पर सवार था। उसकी जिरह घोड़े की जीन के साथ बंधी हुई थी, उसकी कमर से तलवार लटक रही थी और उसके हाथ में बर्छी थी। उस जमाने में मर्दों के कद दराज, सीने चौड़े और जिस्म गठे हुए होते थे। ये अकेला मुसाफिर भी उन्हीं मर्दों में से था, लेकिन जिस अंदाज से वो घोड़े की पीठ पर बैठा था, उससे पता चलता था कि वो शहसवार है और वो कोई मामूली आदमी नहीं। उसके चेहरे पर खौफ का हल्का सा भी तासुर नहीं था कि रहसन उसे लूट लेंगे, उससे इतनी अच्छे नस्ल का घोड़ा छीन लेंगे और उसे पैदल सफर करना पड़ेगा। लेकिन उसके चेहरे पर जो तासुर था वो कुदरती नहीं था। वो कुछ सोच रहा था, यादों से दिल बहला रहा था या कुछ यादों को जहन में दफन करने की कोशिश कर रहा था। आगे एक घाटी आ गई, घोड़ा चढ़ता चला गया। खासी बुलंदी पर जाकर जमीन हमवार हुई। सवार ने घोड़ा रोककर उसे घुमाया और रकामों पर खड़ा होकर पीछे देखा। उसे मक्का नजर न आया। मक्का उफक के नीचे चला गया था। अबू सुलेमान, उसे जैसे आवाज सुनाई दी, अब पीछे न देखो, मक्के को जहन से उतार दो। तुम मर्दे मैदान हो, अपने आप को दो हिस्सों में न कटने दो। अपने फैसले पर कायम रहो, तुम्हारी मंजिल मदीना है। उसने मक्की की सिंध से निगाहें हटा ली, घोड़े का रुख मदीने की तरफ किया और बाग को हल्का सा झटका दिया। घोड़ा अपने सवार के इशारे समझता था, नपी तुली चाल चल पड़ा। सवार की उम्र 43 वर्ष थी, लेकिन वो अपनी उम्र से जवान लगता था। सुलेमान उसके बेटे का नाम था, उसके बाप का नाम वलीद था, लेकिन सवार ने खालिद बिन वलीद के बजाय अबू सुलेमान कहलाना ज्यादा पसंद किया। उसे मालूम न था कि तारीख उसे खालिद बिन वलीद के नाम से याद रखेगी और ये नाम इस्लाम की अस्करी रिवायात और जज्बे का दूसरा नाम बन जाएगा। लेकिन 43 वर्ष की उम्र में जब खालिद मदीने की तरफ चला जा रहा था, उस वक्त वो मुसलमान नहीं था। छोटी छोटी झड़पों के अलावा वो मुसलमानों के खिलाफ दो बड़ी जंगें, जंगे उहद और जंगे खंदक लड़ चुका था। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 610 ईस्वी बरोज सोमवार पहली वही नाजिल हुई, उस वक्त खालिद की उम्र 24 साल थी। उस वक्त तक वो अपने कबीले बनू मखजूम की अस्करी कुव्वत का कायद बन चुका था। बनू मखजूम का शुमार कुरैश के चंद एक मुअज्ज़ज़ खानदानों में होता था। कुरैश के अस्करी उमूर उसी खानदान के सुपुर्द थे। कुरैश खालिद के बाप वलीद के अहकाम और फैसले मानते थे। 24 वर्ष की उम्र में यह हैसियत खालिद को भी हासिल हो गई थी, मगर उस हैसियत को ठुकराकर खालिद अबू सुलेमान मदीना जा रहा था। कभी वो महसूस करता था जैसे उसकी जात से कोई कुव्वत उसे पीछे को घसीट रही हो। जब वो उस कुव्वत के असर को महसूस करता तो उसकी गर्दन पीछे को मुड़ जाती, लेकिन उसकी अपनी जात से एक आवाज उठती, आगे देखो खालिद, तू वलीद का बेटा तो है लेकिन वो मर गया है, अब तू सुलेमान का बाप है, वो जिंदा है। उसके जहन में दो नाम अटक गए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो एक नया दीन लेकर आए थे, और वलीद, जो खालिद का बाप और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नए दीन का बहुत बड़ा दुश्मन था। बाप ये दुश्मनी विरसे के तौर पर खालिद के हवाले करके दुनिया से उठ गया था। खालिद के घोड़े ने पानी की मश्क पर अपने आप की रुख बदल लिया था। खालिद ने उधर देखा, उसे गोल दायरे में खजूरों के दरख्त और सहरा की झाड़ियों नुमा दरख्त नजर आए।
گھوڑا ادھر ہی جا رہا تھا۔ نخلستان میں داخل ہو کر خالد گھوڑے سے کود گیا، امامہ اتار کر وہ پانی کے کنارے دو زانو ہو گیا۔ اس نے پانی چلو بھر بھر کر اپنے سر پر ڈالا اور دو چار چھینٹے منہ پر پھینکے۔ اس کا گھوڑا پانی پی رہا تھا۔ خالد نے اس چشمے سے پانی پیا جو صرف انسانوں کے استعمال کے لیے تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا جنگل تھا۔ خالد نے گھوڑے کی زین اتار دی اور زین کے ساتھ بندھی ہوئی چھوٹی سی ایک دری کھول کر جھاڑی نما درختوں کے جھنڈ تلے بچھائی اور لیٹ گیا۔ وہ تھک گیا تھا، تھوڑی دیر اکیلے سو جانا چاہتا تھا، مگر اس کے ذہن میں یادوں کا جو قافلہ چل پڑا تھا وہ اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ اسے سات سال پہلے کا ایک دن یاد آیا، جب اس کے عزیزوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس منصوبے میں خالد کا باپ ولید پیش پیش تھا۔ وہ ستمبر 622 عیسوی کی ایک رات تھی۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے میں قتل کرنے کے لیے ایسے آدمی چنے تھے جو انسانوں کے روپ میں وحشی اور درندے تھے۔ خالد قریش کے سرکردہ خاندان کا جوان تھا، اس وقت اس کی عمر 27 سال تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش میں شریک تھا، لیکن وہ قتل کے لیے جانے والوں کے گروہ میں شامل نہیں تھا۔ اسے سات سال پہلے کی وہ رات گزرے ہوئے کل کی طرح یاد تھی۔ وہ اس قتل پر خوش بھی تھا اور نہ خوش بھی۔ خوش اس لیے کہ اس کے اپنے قبیلے کے ہی ایک آدمی نے اس کے مذہب کو، جو بت پرستی تھی، باطل کہہ دیا اور اپنے آپ کو خدا کا پیغمبر کہہ دیا۔ ایسے دشمن کے قتل پر خوش ہونا فطری بات تھی، اور وہ ناخوش اس لیے تھا کہ وہ اپنے دشمن کو للکار کر آمنے سامنے کی لڑائی لڑنے کا قائل تھا۔ اس نے سوئے ہوئے دشمن کو قتل کرنے کی کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ بہرحال اس نے اس سازش کی مخالفت نہیں کی، لیکن قتل کی رات جب قاتل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مقررہ وقت پر قتل کرنے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان خالی تھا۔ وہاں گھر کا سامان بھی نہیں تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا تھا، نہ اٹھنے۔ قریش اس امید پر سوئے ہوئے تھے کہ صبح انہیں خوشخبری ملے گی کہ ان کے مذہب کو جھٹلانے اور انہیں اپنے نئے مذہب کی طرف بلانے والا قتل ہو گیا ہے۔ مگر صبح وہ ایک دوسرے کو مایوسی کے عالم میں دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، محمد کہاں گیا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قتل کے وقت سے بہت پہلے اپنے قتل کی سازش سے آگاہ ہو کر مدینے کو ہجرت کر گئے تھے۔ صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور نکل گئے تھے۔ خالد کے ذہن سے یادیں پھوٹتی چلی آ رہی تھیں۔ ذہن پیچھے ہی پیچھے ہٹتے ہٹتے 16 برس دور جا نکلا۔ 613 عیسوی کی ایک شام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے چند ایک سرکردہ افراد کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کیا۔ کھانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہمانوں سے کہا، اے بنی عبد المطلب، میں تمہارے سامنے تحفہ پیش کرنے لگا ہوں، وہ عرب کا کوئی اور شخص پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے۔ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہیں ایک ایسے مذہب کی طرف بلاؤں کہ تمہاری دنیا کے ساتھ ساتھ تمہاری عاقبت بھی آسودہ اور مسرور کر دے۔ اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کے نزول کے 3 سال بعد اپنے قریبی عزیزوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ خالد اس محفل میں نہیں تھا، اس کا باپ مدعو تھا۔ اس نے خالد کو مذاق اڑانے کے انداز میں بتایا تھا کہ عبد المطلب کے پوتے محمد نے کہا تھا کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عبد المطلب قریش کا ایک سردار تھا۔ ولید نے اپنے بیٹے خالد سے کہا، بے شک محمد کا خاندان اعلی حیثیت رکھتا ہے، لیکن نبوت کا دعویٰ اس خاندان کا کوئی فرد کیوں کرے؟ اللہ کی قسم اور حبل اور عزا کی، میرے خاندان کا رتبہ کسی سے کم نہیں۔ کیا نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی ہم سے اونچا ہو سکتا ہے؟ آپ نے اس سے کیا کہا؟ خالد نے پوچھا۔ پہلے تو ہم چپ ہو گئے، پھر ہم سب ہنس پڑے۔ ولید نے کہا، لیکن محمد کے چچا زاد بھائی علی نے محمد کی نبوت کو قبول کر لیا۔ خالد اپنے باپ کی طنزیہ ہنسی کو بھولا نہیں تھا۔ خالد کو 629 عیسوی کے ایک روز مکہ اور مدینہ کے راستے میں ایک نخلستان میں لیٹے ہوئے وہ وقت یاد آ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نبوت کو قریش کے سردار قبول نہیں کر رہے تھے، اس نبوت کو لوگ قبول کرتے چلے جا رہے تھے۔ ان میں اکثریت نوجوانوں کی تھی، بعض مفلس لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔
इससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौसले में जान आ गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग तेज कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत परस्ती के खिलाफ थे। मुसलमान उन 360 बुतों का मजाक उड़ाते थे जो काबे के अंदर और बाहर रखे हुए थे। तुलू इस्लाम से पहले अरब एक खुदा को मानते थे और पूजते इन बुतों को थे। इन्हें वो देवियां और देवता कहते थे और उन्हें अल्लाह के बेटे और बेटियां मानते थे। वो हर बात में अल्लाह की कसम खाते थे। कुरैश ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस दीन का उन्होंने मजाक उड़ाया था वो कबूल होता जा रहा है, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीगी सरगर्मियों के खिलाफ महाज बना लिया और मुसलमानों का जीना हराम कर दिया। खालिद को याद आ रहा था कि उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियों और बाजारों में लोगों को इकट्ठा करके उन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत देते और बताते देखा था कि बुत उन्हें न फायदा दे सकते हैं और न नुकसान। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है जो वहदहू ला शरीक है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत के कायद कुरैश के 4 सरदार, एक तो खालिद का बाप वलीद था, दूसरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना चचा अबू लहब था, तीसरा अबू सुफियान और चौथा अबुल हकम था जो खालिद का चचाजाद भाई था। मुसलमानों पर सबसे ज्यादा जुल्म तशद्दुद इसी शख्स ने किया था। वो जिहालत की हद तक कीना परवर और मुस्लिम कुश था, इसीलिए मुसलमान उसे अबू जहल कहते थे। ये नाम इतना आम हुआ कि लोग जैसे उसका असल नाम ही भूल गए हों। तारीख ने भी इस पस्ता कद भेंगे और लोहे की तरह मजबूत आदमी को अबू जहल के नाम से ही याद रखा है। खालिद को ये यादें परेशान करने लगी, शायद शर्मसार भी। कुरैश के लोगों ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कई बार गिलाजत फेंकी थी। जहाँ कोई मुसलमान इस्लाम की तबलीग कर रहा होता वहाँ कुरैश के आदमी जहाँ पहुँचते और हुल्लड़ मचाते थे। बद अखलाक और धुतकारे हुए आदमियों को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करते रहने के काम पर लगा दिया गया था। खालिद को ये इत्मीनान जरूर था कि उसके बाप ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ऐसी कोई घटिया हरकत नहीं की थी। वो दो मर्तबा कुरैश के 3-4 सरदारों को साथ लेकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के पास ये कहने गया था कि वो अपने भतीजे को बुतों की तौहीन और नबूवत के दावे से रोके वरना वो किसी के हाथों कत्ल हो जाएगा। अबू तालिब ने इन लोगों को दोनों मर्तबा टाल दिया। खालिद को अपने बाप की बहुत बड़ी कुर्बानी याद आई। अम्मारा खालिद का भाई था। वो खास तौर पर खूबसूरत नौजवान था, वो जहीन था और उसमें बांकपन था। खालिद के बाप वलीद ने अपने इतने खूबसूरत बेटे अम्मारा को कुरैश के 2 सरदारों के हवाले किया और उनसे कहा कि इसे मोहम्मद के चचा अबू तालिब के पास ले जाओ और उससे कहो कि मेरा बेटा रख लो और उसके बदले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे दो। खालिद अपने बाप के इस फैसले पर कांप उठा था और जब उसका भाई अम्मारा दोनों सरदारों के साथ चला गया तो खालिद तन्हाई में जाकर रो पड़ा। अबू तालिब सरदारों ने अम्मारा को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के आगे करके कहा, इसे तुम जानते हो, यह अम्मारा बिन वलीद है। तुम ये भी जानते हो कि बनु हाशिम ने जिसके तुम सरदार हो अभी तक इस जैसा सजीला और अकलमंद नौजवान पैदा नहीं किया। ये हम हमेशा के लिए तुम्हारे हवाले करने आए। इसे अपना बेटा बनाकर रखोगे तो ये तमाम उम्र फरमा बरदार रहेगा और अगर इसे अपना गुलाम बना लोगे तो कसम है अल्लाह की तुम पर अपनी जान भी कुर्बान कर देगा। मगर तुम इसे मेरे हवाले क्यों कर रहे हो, अबू तालिब ने पूछा। क्या बनु मखज़ूम की माओ ने अपने बेटों को नीलाम करना शुरू कर दिया? कहो इसकी कीमत क्या चाहते हो? इसके इवज हमें अपना भतीजा मोहम्मद दे दो, कुरैश के एक सरदार ने कहा। तुम्हारा ये भतीजा तुम्हारी रुसवाई का बाइस बन गया है। उसने तुम्हारे आबाओ अजदाद के मजहब को रद्द करके नया मजहब बना लिया है। क्या तुम देख नहीं रहे कि उसने कबीले में आदमी को आदमी का दुश्मन बना दिया है? तुम मेरे भतीजे को ले जाकर क्या करोगे? कत्ल, कुरैश के दूसरे सरदार ने जवाब दिया। हम मोहम्मद को कत्ल कर देंगे, ये बेइंसाफी नहीं होगी। तुम देख रहे हो कि हम तुम्हारे भतीजे के बदले तुम्हें अपना बेटा दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बेइंसाफी होगी, अबू तालिब ने कहा। तुम मेरे भतीजे को कत्ल कर दोगे और मैं तुम्हारे बेटे को पालूंगा?
और उस पर खर्च करूंगा और उसे बहुत अच्छी जिंदगी दूंगा, तुम मेरे पास कैसा इंसाफ लेकर आए हो? मैं तुम्हें इज्जत से रुखसत करता हूँ। खालिद ने जब अपने भाई को अपने सरदारों के साथ वापस आते देखा था और सरदारों से सुना कि अबू तालिब ने यह सौदा कबूल नहीं किया, तो खालिद को दिली मुसर्रत हुई थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुमने क्या बिगाड़ लिया था अबू सुलेमान? खालिद की जात से एक सवाल उठा। उसने ख्यालों ही ख्यालों में सर हिलाया और दिल ही दिल में कहा, कुछ नहीं, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म ताकतवर है, लेकिन रुकाना बिन अब्द यजीद जैसे पहलवान को उठाकर पटखने के लिए सिर्फ जिस्मानी ताकत काफी नहीं। रुकाना बिन अब्द यजीद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया था। ये अरब का माना हुआ पहलवान था, नामी गिरामी पहलवान आए जिन्हें उसने एक ही दाव में पटख कर उठने के काबिल न छोड़ा। वो वहशी इंसान था, सिर्फ लड़ना मारना जानता था। खालिद को वो वक्त याद आने लगा जब मुसलमानों को दिख करने वाले 3-4 आदमियों ने एक दिन रुकाना पहलवान को खूब खिलाया पिलाया और उससे कहा था कि तुम्हारा भतीजा मोहम्मद किसी के हाथ नहीं आता, न अपनी तबलीग से बाज आता है, न किसी से डरता है, और लोग उसके बातों के जादू में आते चले जा रहे हैं। क्या तुम उसे सीधा नहीं कर सकते? क्या तुम मेरे हाथों उसकी हड्डियां तोड़वाना चाहते हो? रुकाना ने अपने चेहरे पर मस्त भैंसे का तासुर पैदा करके तकब्बुर के लहजे में कहा था, लाओ उसे मेरे मुकाबले पे, लेकिन वो मेरा नाम सुनकर मक्का से भाग जाएगा। नहीं नहीं, मैं उसके साथ लड़ना अपनी तौहीन समझता। उसने उकसाने वाले आदमियों की बात न मानी, वो किसी पहलवान को अपने बराबर समझता ही नहीं था। मुसलमानों के दुश्मन खामोश हो गए, लेकिन सोचते रहे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकाना के हाथों गिरवा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाशा बनाया जाए। मक्का के यहूदी खास तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, लेकिन वो खुलकर मैदान में नहीं आए। वो खुश थे कि अहले कुरैश आपस में बंटकर एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। उन्हें पता चल गया था कि कुरैश के कुछ आदमियों ने रुकाना पहलवान को उकसाया है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुश्ती के लिए ललकारे, लेकिन वो नहीं मान रहा था। एक रोज रुकाना रात के वक्त एक गली से गुजर रहा था कि उसके करीब से एक बड़ी हसीन और नौजवान लड़की गुजरी। चांदनी रात में लड़की ने रुकाना को पहचान लिया और मुस्कुराई। रुकाना वहशी था, वो रुक गया और लड़की का रास्ता रोक लिया। क्या तुम जानती हो कि औरत मर्द की तरफ देखकर मुस्कुराती है तो इसका मतलब क्या होता है? रुकाना पहलवान ने पूछा। कौन हो तुम? इसका मतलब ये होता है कि औरत इस मर्द को चाहती है, उस नौजवान लड़की ने जवाब। मैं सब्त बिनते अरमन हूँ। ओह, अरमन यहूदी की बेटी, रुकाना ने कहा और लड़की के कंधों पर हाथ रखकर उसे अपने करीब करके बोला, क्या मेरा जिस्म तुझे अच्छा लगता है और क्या मेरी ताकत? तुम्हारी ताकत ने मुझे मायूस कर दिया है, सब्त ने पीछे हटते हुए कहा। तुम अपने भतीजे मोहम्मद से डरते हो? कौन कहता है? रुकाना ने गरज कर जवाब। सब कहते हैं, सब्त ने कहा। पहले मोहम्मद को गिराओ, मैं अपना जिस्म तुम्हें इनाम में दूंगा। अल्लाह के बेटे बेटियों की कसम, तेरी बात पूरी करके तेरे सामने आऊंगा, रुकाना ने कहा। लेकिन तूने गलत सुना है कि मैं मोहम्मद से डरता हूँ। बात यह है कि मैं अपने से कमजोर के साथ लड़ना अपनी तौहीन समझता हूँ, लेकिन तेरी बात पूरी करूंगा। मशहूर मौर्रिख इब्न हिशाम ने लिखा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रुकाना पहलवान को कुश्ती के लिए ललकारा था, लेकिन दूसरे मौर्रिख इब्नुल असीर ने जो शहादत पेश की है वो सही है कि रुकाना ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुश्ती के लिए ललकारा और उसने कहा था, मेरे भाई के बेटे, तुम बड़े दिल और बड़ी जुर्रत वाले आदमी हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम झूठ बोलने से नफरत करते हो, लेकिन मर्द की जुर्रत और सदाकत का पता अखाड़े में चलता है। आओ मेरे मुकाबले में, अखाड़े में उतरो। अगर मुझे गिरा लो तो मैं तुम्हें अल्लाह का भेजा हुआ नबी मान लूंगा, अल्लाह की कसम तुम्हारा मजहब कबूल कर लूंगा। लेकिन ये एक भतीजे और चचा की कुश्ती नहीं होगी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकाना की ललकार के जवाब में, एक बुत परस्त और सच्चे दीन के एक पैगंबर की लड़ाई होगी, तू हार गया तो अपना वादा न भूल जाना। मक्के में ये खबर सहरा की आंधी की तरह फैल गई कि रुकाना पहलवान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुश्ती होगी और जो हार जाएगा वो जीतने वाले का मजहब कबूल कर लेगा।
اللہ کی تلوار کا تمغہ سینے